आयुषी सुदान, जनरल कालिया, ब्रिगेडियर जैन से ज्यादा है, इसलिए ऑपरेशन पे इन्फिल्ट्रेशन के सरसब्ज मैदान सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज मिलें और उन्हें उनकी आर्थिक स्थिति इंप्रूव हो। फेज वन में यानी अभी 50 फैमिलीज को आइडेंटिफाई किया गया है और अगले साल 50 और फैमिलीज को मदद दी। सबसे पहले मैं मिस्टर रमन, चेयरमैन स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया को मंच पर बुलाना चाहूंगा। वापस नहीं आई थी अपने विलेज की विजिट से, तो हमको यही लग रहा था कि दिल्ली में अगर होते तो उनकी फैमिलीज बहुत चिंतित हो जाती, पर ये इंडियन आर्मी की एक, हम इस तरीके से बताएं कि और कोई सबूत नहीं चाहिए कि इंडियन आर्मी पर रोए जमीन हमी अस्तु हमी। अगर फिरदौस पर रोए जमीन अस्त, अगर फिरदौस पर रोए जमीन अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त, जो के शमसबरी माउंटेन रेंज के दामन में वाका है, जहां पे एक तरफ बंगस, खुसूसन जो आर्मी का रोल हमारा हमारे साथ आजकल है, पहले से है, हमने बहुत कुछ सैलाब पीछे देखकर आए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि हमारा जानी नुकसान इतना नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ कि हम फौज के साथ भी तालमेल के साथ चले और फौज हमारे साथ चली। तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। देख रहे मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा, इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा इमरान अहमद, ये कितना इम्पोर्टेंट है फॉर दीज रीजन्स। आई जस्ट लाइक टू पुट इन सम फिगर्स। 2019-20 में कुपवाड़ा जिले में कुल मिला के 6,000 टूरिस्ट आए थे। आज इस साल इस फाइनेंशियल ईयर में अब तक वी हैव हैड मोर देन 3 लाख टूरिस्ट। जो टूरिज्म पोटेंशियल है कुपवाड़ा का वो बहुत ज्यादा है, और जो पिछले 3-4 साल में हम पीस के डिविडेंड्स देख रहे हैं उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है इस टूरिज्म इंडस्ट्री का। उनका आगाज जो है तो उसमें हम अपने आप को वॉर्म तो देंगे, लेकिन साथ ही साथ हम बहुत बड़ा एक्यूलेट जो देना चाहते हैं आज की तारीख में। गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं ब्रिगेडियर गौरव जैन और उनकी पूरी टीम, टाइसिया और उनकी पूरी टीम, और ड्रंग्यारी के खवातीनों हजरात जो यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं, बारिश के बावजूद यहाँ पर हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया अपने बीच और इस इवेंट का हिस्सा बनाया। ये एक बहुत ही अच्छी पहल है, इससे यहाँ पर और तरक्की होगी। और जहाँ तक इस इलाके की बात है तो द्रंग्यारी रंगवार का ये जो इलाका है ये बंगस वैली और तंगधार वैली के मुहाने पे है, तो इससे अच्छी जगह और कोई नहीं मिल सकती थी प्रोजेक्ट जज्बा को लॉन्च करने के लिए। प्रोजेक्ट जज्बा जो है ये इंडियन आर्मी सपोर्टेड सिटी के द्वारा फाइनेंस और टाइसिया फाउंडेशन से सपोर्ट की गई है, और इसमें डिफरेंट लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज पर फोकस किया गया है, जैसे कि होम स्टेज, शिप रेयरिंग, कैंपिंग साइट, कम्युनिटी किचन, कैफेटेरिया, और अभी जो फोकस है ये द्रंग्यारी और रंगवार पर है। और अभी तक 50 फैमिली से ज्यादा सपोर्ट की जा चुकी है, और अगर ऐसे ही प्रोजेक्ट्स चलते रहेंगे डिस्ट्रिक्ट में, आई एम श्योर यहाँ का जो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज है वो बढ़ेंगी और जो लोकल इकोनॉमी है। देखिए आप जानते हैं कि टूरिस्ट का फ्लो वैसे भी हमारे यहाँ बढ़ रहा है, पर हमारे यहाँ अभी सपोर्टिंग सर्विसेज की थोड़ी कमी है। वी डोंट हैव दैट मच ऑफ कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ अकोमोडेशन एटसेट्रा। सो डेफिनेटली जब ऐसे होम स्टेज आएंगे तो नाइट स्टे के लिए
अपॉर्चुनिटीज रहेंगी लोगों को और वो भी ग्लोबल इकोनॉमी में ऐड करेंगे। इस साल अभी तक 3 लाख टूरिस्ट इस डिस्ट्रिक्ट में आए हैं, दैट इज एंटायरली बंगस वैली, शारदा टेम्पल, गुलाब एक्सेट्रा, सबको मिला के 3 लाख आए हैं। कुछ साल पहले तक ये फिगर काफी कम थी और वो काफी हद तक जो हालात थे उसको एट्रीब्यूट होता है, पर जैसे जैसे पीस के डिविडेंड्स आ रहे हैं, लोकल अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, टूरिज्म में भी एक बूस्ट आ रहा है।